हरियाणा की बुहाना में नगर पालिका कोरोना से लड़ने के लिए हर गली मोहल्ले में दवाई छिड़कने का काम कर रही है और गलियों गलियों मोहल्लों मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं पुनाना नगर पालिका के जूनियर इंजीनियर राशिद खान ने बताया कि पूरे पुनाना शहर में दवाई का छिड़काव जारी है, जिससे कि कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हमारी सारी टीम पूरी तरह से अलर्ट है, पूरे शहर में सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, पूरा शहर लॉकडाउन किया हुआ है, लोगों को समझाया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें और इस कोरोना जैसी महामारी से बचें। घर घर जाकर पालिकाओं कौन सी पोस्ट पर हैं आप? मैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर हूँ जी। क्या तैयारी चल रही है आपके यहाँ लेकर कोरोना को लेकर, आपकी क्या तैयारी चल रही है नगर पालिका पुनाना में? कोरोना वायरस को लेके नहीं, हमारे द्वारा पूरे शहर के अंदर जो सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है समय समय पे, और मास्क वगैरह भी दिए जा रहे हैं। जितने भी कर्मचारी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सभी को मास्क वितरित किए गए हैं। उनको हिदायतें दी गई है कि आप इनको टाइम टू टाइम अपने पहन के रखें और पूरे व्यवस्था को बनाए रखें जी। नगर पालिका के लिए क्या आदेश है? घर में साग सब्जी का, किराने का जो दुकान खुली हुई है वो बंद होनी चाहिए? नगर पालिका, ये तो नगर पालिका द्वारा जो भी है सबको हिदायतें दी जा रही हैं, जगह जगह घूम घूम कर हिदायतें दी जा रही हैं। किराना स्टोर है, मेडिकल्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा भीड़ ना रखें और डिस्टेंस है, एक मीटर का डिस्टेंस बना के रखें जी। आपने कितनी टीम बनाई है इसमें? हमारी सभी नगर पालिका की पूरी टीम इसमें जुटी हुई है, हर तरीके से हाँ एकजुट होकर चलती है और समय समय पर पूरे शहर में हम सैनिटाइजेशन वगैरह ये चीज़ें सारी चीज़ें करा रहे हैं। हरियाणा के पुनाना से केकेडी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा का पुनाना बाजार जो कि मेवात की राजधानी के नाम से मशहूर है, आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहां हर समय लोगों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन आज कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से पूरा भारत बंद है और ये छोटा शहर पुनाना जो कि कभी बंद भी नहीं हुआ आज बंद है। ये बाजार ऐसा है कि यहाँ गांवों से लोग जरूरत का सामान लेने आते हैं। ये वो पुनाना बाजार है जिसमें कि 120 गांव लगते हैं। इसके अलावा इस बाजार से करीब दूसरे राज्य भी बॉर्डर नजदीक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान यूपी के लोग भी पुनाना बाजार से जरूरत का सामान यहाँ से खरीदने आते हैं। लगातार लॉकडाउन होने से पूरे शहर में आप देख सकते हैं सन्नाटा बना हुआ है, लोग प्रधानमंत्री की बात का पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कोई भी दुकानदार अगर आपसे सामान खरीदने पर ब्लैक करता है तो उसकी शिकायत आप लोग करें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्ती से जमाखोरों और अधिक कीमत में सामान देने वालों पर कार्रवाई होगी। हरियाणा के पुनाना से केकेडी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार की रिपोर्ट।